यूनियन कार्यालय मोती झील में 1 अक्टूबर 2024 को वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान दिवस के अवसर पर नगर निगम के सेवानिवृत्त पेंशनर साथियों का प्रतीक चिन्ह पटका एवं माला पहनाकर सम्मान किया गया। सम्मान किए जाने में मुख्य रूप से अरुण मिश्रा, रामजी चौरसिया, उमाकांत शर्मा, मुन्ना पहलवान, राकेश मिश्रा, पवन द्विवेदी, गोकुल प्रसाद, रमेश चंद सागर, कक्कड़ बाबू, घनश्याम कुरील, अशोक राइटर, प्रकाश हजारिया, जगमोहन सेगर, नरेंद्र शुक्ला, राम नारायण आसरेक, बाबा दिन मसूरिया, गोरेलाल मधुकर, वाजपेयी, पी के वाजपेयी, सुनील अवस्थी, रामजीवन सागर, राम प्रकाश, राम गोपाल समुद्र, उस्ताद जी अनूप अग्निहोत्री आदि का सम्मान किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता देवी दीन भाव ने किया, संचालन रमाकांत मिश्रा ने किया। सहयोगी साथियों ने श्री मुन्ना हजारिया, पंकज शुक्ला, संजय हजारिया, दिनेश गुप्ता, की मसूर श्याम दर पांडे, संजय मिश्रा, मनीलाल भारती आदि लोग उपस्थित थे। देखिए ये कार्यक्रम जो है शासनादेश के अंतर्गत हुआ है, इसे तो नगर निगम को करना चाहिए, लेकिन ऐसे मामलों में नगर निगम ने नहीं किया तो हम लोगों ने कहा कि कुछ हमारे यूनियन के जो साथी हैं जो सेवानिवृत्त हो गए हैं, जिनका योगदान रहा है संघर्षों में, उन सारे साथियों को आमंत्रित करके ये सम्मान दिया जाए। आज उसी के अंतर्गत कार्यक्रम हुआ है। और अभी हमारे मुन्ना आजारिया कह रहे थे कि पुरानी पेंशन बहाली का मामला है और भी 8वां राष्ट्रीय वेतन आयोग का गठन है, हमारे आउटसोर्सिंग के जो कर्मचारी हैं उनकी जो है नीति और विनियमितकरण की व्यवस्था को लेकर के कल 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर हम चुनीगंज में धरना दे रहे हैं। धरना पूरे प्रदेश में चल रहा है जो महात्मा गांधी के जन्म जीवन के अवसर पर, उसी उसको हम लोग सब लोग करेंगे। ये कार्यक्रम हम अपने कर्मचारियों को सम्मान दिए हैं और आगे इसको और बृहद करेंगे, जबकि ये वरिष्ठ जनों का सम्मान है, उसमें ये निर्देश था कि ज़्यादा से ज़्यादा पेंशनर हों, तो हम लोगों ने उसी तारतम्य में कार्यक्रम किया है और संपन्न हुआ है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो आकर के यहाँ पे आप लोगों ने इस कार्यक्रम को कवर किया है, उसके लिए मैं आप लोगों का पुनः आभार व्यक्त करता हूँ। आज का क्या कार्यक्रम है? और सबसे पहले तो आपके संगठन को हम बधाई दे दें कि आपने वास्तव में पेंशनर का सम्मान करके एक अभूतपूर्व काम किया है। अपना परिचय देते हुए कार्यक्रम के बारे में। मैं मुन्ना हजारिया, कानपुर नगर निगम कर्मचारी संघ का संयुक्त लीडर के बाद उत्तर प्रदेश शरीर का कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष हूं। आज जो पेंशन दिवस मनाया गया, ये सरकार के निर्देशों पर 1 अक्टूबर को आदेश जारी किया गया। उस आदेश के अंतर्गत हमारे साथी परमादरणीय संगठन के अध्यक्ष बाबू जी और परमादरणीय हमारे मार्गदर्शक ट्रेड यूनियन के रमाकांत मिश्रा जी का हम लोगों ने बैठ के तय किया कि ये आदेश हुआ, इसके अगेंस्ट जो हमारे साथी हम लोग के साथ लगभग 7 वर्ष की आयु का काम किया है, उनको इसी बहाने एक ऐसा माहौल कर दें कि हमारे बिछड़े साथी का याद ताज़ा हो जाए और वो हमारे